इनमें से लोग घर पे शायद कम कम खाना देते होंगे, इसलिए तमिलनाडु में आके ऐसे खाना खा रहे। घर पे ऐसे खाएंगे मतलब किस किस चीज से मार पड़ेगा वो पता नहीं। चलो बढ़िया है, कोई तो खा रहा है, इंसान खाना देते शांति से। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो मैं पिछले वीडियो में बोला था कि मैं हम जैसे लेबर लोग चेन्नई पे आके अपना जो लाइफ मतलब हमारा लाइफस्टाइल कैसे होता है, कि आप लोग यहाँ पे किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं। सुबह सुबह हमारा सब्जी बन के रेडी हो चुका है और हम लोग तो रात को जाकर ड्यूटी से आ गए थे। और अब थोड़ा शक्ल दिखा दीजिए इधर, अरे भाई साहब आप दिखा दीजिए थोड़ा। ये हमारा बहुत बहुत शर्मिले है, हमारा एक लड़का है, बहुत शर्माता है ये। आपका थोड़ा शक्ल दिखा दो, हाई कर दो कैमरे पे। हमारी सब्जी पता नहीं बैंगन और आलू वैसे बस एक ही सब्जी है। ये तो होटल है लेकिन कंपनी में जाते तो तीन चार आइटम खाना खाते हैं। ये है हमारे साथ दो तीन लोग खाना खाते। तो हम अभी खाना खा लिए हैं और अभी कल हम नहीं नहाए थे तो आज नहा के सीधा सो जाएंगे। और हमारे साथ तरह से शक्ल दिखाओ ए भाई साहब। हेलो दोस्त, हम जा रहे नहाने के लिए, अब पानी नहीं था, अभी देखते हैं क्या होता है, पानी मिलेगा तो नहाएंगे नहीं तो कल नहाएंगे। कुछ अजीब से स्मेल आ रहा है बॉडी से। हम तो दिखाते हैं आपको हम कैसे नहाते हैं, पानी कहाँ से निकालते हैं, कितना तकलीफ है यहाँ पे। अपना गांव में तो नल पे नहा लो या जाके कहीं तालाब पे नहा लो, नदी पे नहा लो। यहाँ ना नदी है ना तालाब है, तालाब तो है लेकिन नहाने नहीं देते वहाँ पे। इधर तो हमारा गाना बज रहा है, अभी सोच रहा होगा किधर इसको देख लो, ये झारखंड का चिमकांडी है, बड़ा अच्छा लड़का है। यहाँ पे कुछ बकरे रखे हैं हमारे रूम का ओनर ने और अभी उनको खाना खिलाते हैं। देखो हमारा जो नहाने का सिस्टम है, पानी इसमें रहता है, काफी नीचे है पानी, उसे ऐसे रस्सी बांध के बकेट में निकालना पड़ता है हमें। और क्या बताऊं, से नहाते हैं और शाम को पानी इस नल से मतलब इस पाइप से आता है, सप्लाई होता है रात को नहीं शाम को आते। पता नहीं होगी तमिलनाडु में लेबर लोगों का लाइफस्टाइल देखो ऐसे होता है। इधर देखो थोड़ा भाई साहब, अब देखेंगे थोड़ा इधर। ओ भाई शक्ल थोड़ा देखा, इस इंसान को बर्तन नहीं मिला देखो। ऐसे खाते हैं लोग, इधर शक्ल थोड़ा दिखा दो ए भाई। इन भाई साहब का नाम है आकाश कुमार,
तो सोचिए जिसका नाम आकाश है वो अगर ऐसे खाएगा और जिसका नाम विकास होगा वो फिर कैसे खाता होगा? सकल यही चाहते थे हम सकल देखना। तो कमर करे दोस्तों इस इंसान पे की करेगा कमर करेगा ये भाई को तो हिंदी मालूम नहीं है क्या बोल रहा है। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले आप जो वीडियो देखे थे वो मतलब नहाने जाने से पहले का वीडियो था, तो सुबह का था 10-11 बजे जब सुबह का था वो वीडियो 10 बजे का। तो उसके बाद हम नहा के सो गया था, तो टाइम हो गया है ड्यूटी जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा आज क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब मेरा जो साइलेंसर है पूरा जाम हो गया है, मतलब सांस नहीं लिया जा रहा है सर्दियों में। कल नहाया था आज सुबह के नहा लिया, पता नहीं शायद उसी की वजह से होगा। और मैं पिछले वीडियो में वादा किया था कि वादा तो नहीं लेकिन बोला था कि मैं जैसे कि हम लोग वर्कर्स लोग आके तमिलनाडु पे काम करते हैं हमारा लाइफ स्टाइल दिखाएंगे। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दिखाऊं, मैं समझ में मुझे नहीं ये नहीं आ रहा कि क्या दिखाऊं। हमारा रूम तो जैसे देख रहे मतलब भसड़ मची पड़ी हुई है, कपड़े काफ़ी छोटा सा रूम है और इस रूम में ही बताने जा रहा हूँ कि हम काफ़ी छोटा सा रूम है ये और इस रूम पे हम 5 लोग रहते हैं। सबसे अच्छा बात ये है कि हम लोग मतलब शिफ्ट चेंज करके ड्यूटी करते हैं। मान चलो 2 आदमी नाइट में कर रहे हैं या 3 आदमी दिन में कर रहे हैं, ऐसे कुछ है। तो संडे को थोड़ा लेने देने पड़ जाती है सोने में वरना। और यह यही मतलब जिस गांव पे हम अभी रहते हैं तो इस गांव में दिक्कत क्या है ना, अभी रूम मिलने का बहुत दिक्कत है क्योंकि मान चलो ये रूम का किराया लेता है 3,000। बहुत सारे लोगों को 3,000 तो बहुत कम लग रहा होगा लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। महीने में 10-12 हज़ार कमाओ और 3,000 रूम का किराया तो बहुत है, और 5 लोग रहते हैं तो थोड़ा कम पड़ जाता है। और बाकी खाना और रूम का मिला दें अगर 5 आदमी में मैं उसको डिवाइड कर दे तो 5 आदमी में तो हो जाता है कितना 2,500 ऐसा कुछ, सही है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ड्यूटी अगर बराबर करोगे तो पैसा तुमको दिखेगा, अगर ड्यूटी बराबर नहीं है करेगे तो कहाँ पैसा दिखेगा। 10-12 हज़ार बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, तो बड़ी रकम भी नहीं है वो। हमें लगता है बड़ी रकम इसीलिए क्योंकि हम उतना कमाते हैं और जो लोग हमसे ज्यादा लाखों कमाते हैं तो उनका पता नहीं कैसा लग रहा होगा। और रूम का हालत कुछ ऐसा है, इसी में खाना इसी में सोना और इस तरफ पर देख लो छोटा सा रूम है, 2-2 सिलेंडर गैस क्या मतलब भरा पड़ा है रूम के अंदर। ठीक है मैं बोला हूँ कि हम लोग का लाइफ स्टाइल दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। आई होप कि अच्छा लगेगा।